नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सपने सुहाने NS Plus 24। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप सपने में खुद की शादी होते हुए देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। यदि आप सपने में अपनी शादी होते हुए देख रहे हैं या फिर किसी दोस्त की या फिर किसी रिलेटिव की शादी होते हुए देखते हैं तो ये सपना आपको क्या संकेत देता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह की जानकारियां आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रह सकें। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सपने में अपनी शादी होते हुए देखता है तो ये सपना उसे किसी कार्य में या फिर किसी सफलता में बाधा आने का संकेत होता है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको रुकावट आ सकती है। वहीं पर यदि कोई विवाहित व्यक्ति सपने में खुद की शादी होते हुए देखता है तो इसका अर्थ है कि उसके दाम्पत्य जीवन में, उसके रिश्तों में दरार आने या फिर अनबन होने का संकेत होता है। रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं पर कोई यदि अविवाहित व्यक्ति सपने में अपनी शादी होते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि उसके विवाह में देरी हो सकती है। वहीं पर यदि कोई अविवाहित लड़की सपने में अपने बॉयफ्रेंड या फिर प्रेमी से शादी होते हुए देखती है तो इसका मतलब है कि उसका विवाह जल्द हो सकता है। लेकिन उसका विवाह उसके प्रेमी से होगा या नहीं, ये नहीं कह सकते। लेकिन इस सपने को यदि हम साइकोलॉजिकल तौर पर देखते हैं, सपने में यदि कोई व्यक्ति खुद की शादी होते हुए देख रहा है और वो व्यक्ति विवाहित है तो इसका अर्थ है कि उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से ऐसे सपने दिखाई देते हैं। और अविवाहित लोगों को ऐसे सपने इसलिए आते हैं कि उनके मन में विवाह को लेकर कुछ प्लानिंग चल रही होती है। कुछ सपने देखते हैं वो लोग, इसलिए ऐसे सपने आते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।